नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदु अंग्रेजी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली रात 8 बजे हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम कराएंगे संधि का पार्ट टू। क्या संधि का पार्ट टू? पार्ट फर्स्ट दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आपने देख भी ली होगी वीडियो। उसमें हमने क्या कराया था, संधि क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती हैं। और दोस्तों, उसमें स्वर संधि के 5 पार्ट बताए थे हमने। कौन कौन से? एक दीर्घ संधि बताया था और एक वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों, इसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि आपको करा दी थी। अब 3 संधि स्वर संधि में बची थी। कौन कौन सी 3 संधि बची थी दोस्तों? एक तो आपकी वृद्धि संधि बची थी, एक यण संधि और एक अयादि संधि। तो दोस्तों, ये 3 संधि आपकी स्वर संधि में रह गई थी और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अभी आपकी कराने को रह गई है। तो आज हम स्वर संधि को कंप्लीट करा देंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों, आपको स्वर संधि आज हम कवर करा देंगे और कल की वीडियो में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि खत्म करा देंगे। तो संधि आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि से। तीसरे नंबर की कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो दोस्तों, वृद्धि संधि में क्या होता है, जो मात्राएं होती हैं दोस्तों, आप सभी को पता है वृद्धि स्वर संधि है ये, तो स्वरों के मेल से ही बनेगी, यानी वृद्धि स्वर संधि। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्वरों के मेल से ही बनती हैं स्वर संधि। तो स्वर, जब स्वरों का मेल होता है तो दोस्तों स्वर संधि बनती है। और वृद्धि संधि में क्या होगी, यानी वृद्धि हो जाएगी मात्रा की। यानी कि हमने आपको गुण संधि पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बन रहा था, ये बन रहा था और ओ बन रहा था, और दोस्तों क्या बन रहा था, और बन रहा था। तो दोस्तों, ये हमारे किस में बन रहे थे, गुण संधि में। और दोस्तों, दीर्घ संधि में हमने बताया था कि जो सजातीय वर्ण होते हैं उनका ही मेल हो रहा था। जैसे अ प्लस अ तो आ बन रहा था, ई प्लस ई ई बन रही थी दोस्तों। तो इसी प्रकार अब वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि संधि में जो ये ए होगी, ये जो ए होगी, ये वृद्धि होकर, इसकी वृद्धि होकर, दोस्तों आप बस वीडियो को पूरा देखते रहें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा, बस आप थोड़ा पेशेंस धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, ए की वृद्धि होकर क्या बन जाएगी, ये ए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये तो छोटी है, ये बड़ी है बन जाएगी। अब इसके बाद ओ, अब ओ की भी वृद्धि हो जाएगी, यहां पर क्या, ओ की भी वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों, ये क्या बन जाएगी, ओ। दोस्तों, ये यहां पर दोनों मात्राओं का यूज होगा। अब दोस्तों, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। उसमें हमने बताया था आपको कि कंठ, कंठ पर कौन कौन से होते हैं आपके, अ और आ। कंठ पर कौन कौन से हैं, अ और आ। अब दोस्तों, ये कंठ वाले किसके साथ करेंगे, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ तालव्य यहां पर प्लस किसके साथ, ए ए। और दोस्तों कौन, ओ और ओ। तो दोस्तों, ये तो हमारे क्या हो गए, ये क्या हो गए, कंठ तालव्य और ये क्या हो गए, कंठ ओष्ठ, यानी कि इनको क्या कहेंगे हम, कंठ तालव्य, तालव्य। और दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, कंठ ओष्ठ। तो दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए, अब ये अ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, अ और ए मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों, तो यहां पर ये ए क्या वृद्धि वाली मात्रा लगी, ये वाली बन जाएगी। यानी पहला हमने आपको बताया था, नोट में एक लाइन लिखाई थी आपने अगर लिखी होगी तो, कि जो संधि होती है उसमें जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दोस्तों जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण मिलकर ही संधि बनाते हैं। तो इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, आ। इन दोनों में से कोई सा भी आ हो सकता है, और इस वाले शब्द का दोस्तों पहला वर्ण लेंगे तो ए, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए। अब दोस्तों, ये अगर आ और आ में से कुछ भी आपको मिल जाए पहले शब्द में और दूसरे शब्द में मिल जाए आपको क्या, ओ, क्या मिल जाए, ओ, दोनों में से कोई सा भी ओ मिल जाए, तो दोस्तों यहां पर क्या, कौन सी मात्रा लग जाएगी, वो दोनों हटाकर क्या बन जाएगा, ओ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारी बन जाएंगी। तो अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। तो जैसे कि एक प्लस एक,
क्या, एक प्लस एक। तो दोस्तों इसकी आपको संधि बनानी है। तो दोस्तों अब इसका क्या बनेगा, तो का है, तो का में क प्लस अ, ऐसे ही तो बनता है। क कैसे बनता है, क प्लस अ, वर्णमाला में हमने आपको पता है पढ़ाया ये सब। और यहां पर ये क्या है, ए। तो दोस्तों अ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे कि अ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगी, ये ए बन जाएगी, यानी कि ए। और इसकी मात्रा आपको पता ही है क्या होती है, इसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा होती है ये, और इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों, ये इसकी मात्रा होती है। तो अब इसकी यहां पर मात्रा लगेगी, ना कि ये लगेगा, क्या लगेगी, ये मात्रा लगेगी। तो दोस्तों अब का पे मात्रा लगेगी, किस पर, का पे मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एक एक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक एक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये वृद्धि संधि बन जाएंगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल कराते हैं, यानी कि वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। तो दोस्तों अब इसकी आपको बनानी है संधि विच्छेद करना है, तो कैसे होगा इसका संधि, तो दोस्तों इसकी संधि बनेगी आपकी, तो यहां पर आप पहले तो देखें न, तो न कैसे बना है, न प्लस अ, और ये क्या है यहां पर, ओ। तो दोस्तों अब ये अ और ओ मिलकर बन गई, यानी अ और ओ, तो क्या बना रही है, ओ। तो अब दोस्तों क्या बन जाइए हमारा यहां पर, वनौषधि, क्या, वनौषधि। दोस्तों इस प्रकार से ये बन जाएगी, जिसका हमको लास्ट वाला जो वर्ण होता है दोस्तों, जो लास्ट वाला वर्ण होता है उस पर ही मात्रा लगती है। ये हमने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि में बताया था। तो अब ये वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों, ये आप नोट कर लें, आपको यहां पर भी ये दो मात्रा मिल जाए, एक ये मात्रा और ये मात्रा, तो आप समझ लेना कि कौन सी वृद्धि स्वर संधि है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। तो दोस्तों आपको एक दो एग्जाम्पल और देते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों एक इसका बना है सदा एव, तो दोस्तों इसका बनाना है आपको सदा एव का, और महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो दोस्तों इसका बनाना है महा प्लस ओजस्वी। तो दोस्तों ये तीन आपको बनाकर इनके कमेंट में आंसर देने हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी संधि, यानी कि चौथे नंबर वाली पर, कौन सी पर, यण संधि पर, कौन सी पर चलते हैं दोस्तों, तो यण संधि को करते हैं। आप इन सभी को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब करते हैं हम यण संधि को, और वीडियो को अब सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। अब यण संधि पर आते हैं, चौथे नंबर पर स्वर संधि है, यण, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, यानी कि इसमें आपके जो ई या ई, ऊ या ऊ और री। तो दोस्तों ये, यानी कि ये शब्द मिल जाए आपको, ये शब्द मिल जाए, और इनके साथ प्लस में यहां पर दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण मिल जाए, यानी कोई भी स्वर, क्या, कोई भी स्वर मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाए। तो दोस्तों क्या बनेगा हमारा, तो इसके साथ तो यह बनेगा, क्या, यह बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, वो वह बनाएगा, और इसके साथ क्या बनाएगा, रा बनाएगा। दोस्तों ई और कोई भी स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, या ऊ, तो दोस्तों कोई भी स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, व, और री किसी भी स्वर के साथ क्या बनाएगा, र। और दोस्तों एक चीज और है, जिस पर ये मात्रा लगी होंगी, जिस शब्द पर लिख लें इसको नोट में, नोट करके लिख लें, जिस वर्ण पर मात्रा, ये मात्रा, ये वाली मात्रा हो, जिस वर्ण पर ये मात्रा लगी होंगी, वह वर्ण आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दोस्तों जिस वर्ड पर ये जो मात्रा लगी होगी, जैसे ई की मात्रा लग रही है, जैसे ताप है,
ये मात्रा लग रही है, जैसे ती है तो संधि बनकर और कोई भी स्वर है तो ये आधी हो जाएगी, क्या दोस्तों आधा अक्षर हो जाएगी ये ता का क्या हो जाएगा आधा अक्षर। तो दोस्तों अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, उनसे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो अब जैसे कि अति प्लस अधिक, क्या अति प्लस अधिक, तो दोस्तों अब इसकी संधि आपको बनानी है अति प्लस अधिक। तो दोस्तों यहां पर ई की मात्रा है, यानी ये कैसे बना है त प्लस ई और ये अ। तो अब एक चीज देखें, ई और अ यानी ई तो ये रहा, और क्या बोला है हमने कोई भी स्वर, क्या कोई भी स्वर, तो दोस्तों ये अ अ एक स्वर है, तो अ और ई मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों य, क्या बना देंगे य। तो अब इसकी कैसे बनेगी अ, और ये जिस पर मात्रा किस पर है, एक चीज देखें आप मात्रा किस पर है, ताप है, किस पर ताप है। तो हमने आपको बताया था जैसे यहां पर ये ती तो क्या हो जाएगा ये आधा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा आधा, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा ये, यानी त तो आधा हो गया और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे य, तो ये यानी अत्य और ये यहीं की वहीं लग जाएगा अत्यधिक, बन गया इतनी आसानी से दोस्तों। बस आपको क्या माइंड में रखना है, जिस पर ये मात्रा होंगी वो तो आधा हो जाएगा शब्द, यानी आधा हो जाएगा दोस्तों जो वर्ण होगा, और ई और जो कोई भी स्वर हो जैसे आ आ गया यहां पर, उ आ जाता या ए आ जाती, कोई भी आ जाती तो दोस्तों क्या बनाते य। अब दोस्तों और एग्जाम्पल करते हैं, तो एक दिया हुआ एग्जाम्पल आपके लिए नी धन ऊन, तो इसका क्या बनेगा, और दोस्तों प्रति आशा, प्रति धन आशा, आशा इसका बनाए, तो दोस्तों अब इन दोनों का बनाए, और सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो दोस्तों इनका आपको बनाना है। तो अब नी इसका क्या है, न और ई और उ, तो दोस्तों उ से हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी स्वर हो यहां पर, कोई भी स्वर हो तो बनेगा क्या या बनेगा, क्योंकि इसको देखना है हमको किसमें, ये वाला देखना है, तो या बना रहा है। तो अब मात्रा किस पर लग रही है, नानल पर, तो दोस्तों ना को हम क्या करेंगे आधा, ना को क्या कर देंगे आधा, और या बन जाएगा, ई और उ बन के क्या बना जाएगा या, और उ की मात्रा लग जाएगी, अब क्या उ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि न्यून, बड़े उ की है तो दोस्तों किसकी लगेगी, बड़े उ की, छोटी उ की नहीं लगेगी, क्यों यहां पर कौन सा है जो होगा उसकी मात्रा लगेगी, तो दोस्तों ये क्या न्यून बन गया, न्यून न्यून बन गया। अब इसका बनाएंगे हम, तो दोस्तों प्र ये तो सेम रहेगा, अब ये क्या है यहां पर त, ता क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा आधा, अब प्रति, अब दोस्तों ई और आ मिलकर क्या बना देगी या, और आ कौन सा है, आ कौन सा है बड़ा आ है, तो दोस्तों इस पर क्या लग जाएगा ये मात्रा इसकी और सा, तो ये क्या हो जाएगा प्रति आशा, प्रति आशा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्रति आशा। अब हम इसका बनाएंगे, तो दोस्तों अब यहां पर ये क्या है स और उ, और यहां पर ये आ, तो ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, तो दोस्तों ऊ यहां पर है कोई भी स्वर, वह बना रहा है, क्या वह बना रहा है, और ये जिस पर मात्रा लग रही है उसका हमने आपको बताया क्या हो जाता है आधा, तो दोस्तों ये तो हो जाएगा हमारे क्या आधा। अब ये क्या बना देगा वह, और यहां पर मात्रा किसकी है बड़े या की, तो आगत, आगत क्या बन जाएगा ये स्वागत, दोस्तों इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये दोस्तों। तो दोस्तों एक और आपको इस वाले का कराते हैं री का, दोस्तों अब ऐसे प्रित आज्ञा, प्रित आज्ञा यानी पिता की आज्ञा, दोस्तों इसमें री त तो दोस्तों अब यहां पर त और री, क्या त और री मिलकर, और ये क्या हो गया अ, अब यहां पर ये क्या बना लेंगे, तो दोस्तों ये र बनाएंगे, अब ता है इसके साथ, ता भी तो है, तो दोस्तों ये त और र मिलकर क्या इस प्रकार से बन जाएंगे ये पी त्र, तो ऐसे र उड़ जाएगा, और आगा आ यहां पर बड़ा आ,
तो इसका मात्रा लग जाएगी अज्ञा, तो यानी पितृज्ञा ये बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, यानी ईयर संधि आपकी खत्म होती है। आप नोट कर लें दोस्तों ये सभी, और ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां आपको एक चीज और नोट कर लें, जहां आपको आधा शब्द मिल जाए, जिस शब्द में आधा वर्ण मिल जाए, जिस शब्द में आधा वर्ण मिल जाए दोस्तों, वहां कौन सी संधि होगी आपकी? ईयर संधि। कौन सी संधि होगी? ईयर संधि। दोस्तों अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर। संधि कौन सी आती है आपकी? अयादि संधि। कौन सी संधि? 5 नंबर पर दोस्तों, लास्ट संधि है ये आपकी स्वर संधि की, अयादि संधि। तो अयादि संधि करते हैं दोस्तों, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और आप बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी क्लास की ज़रूरत है दोस्तों, वो सभी लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं अयादि संधि पर। तो दोस्तों अब अयादि संधि में क्या होता है? तो अयादि संधि में, अब इससे पहले यण संधि आई थी, एक क्रम चल रहा है दोस्तों। पहले अ आए थे, फिर ई ई दीर्घ संधि में, फिर उसके बाद हमने गुण संधि कराई थी दोस्तों, उसमें हमने उससे आगे का कराया था, यानी कि कोई भी वो हो स्वर हो कंठ वाले उनके साथ कर रहे थे, जैसे ई ओ और दोस्तों री के साथ कर रहे थे। फिर उसके बाद आपकी वृद्धि संधि आई थी, उनमें मात्राएं बढ़ गई थी दोस्तों, यानी ए ए और ओ पे आ गए थे। अब दोस्तों यण संधि में भी आपके हमने बताए, तो उसमें छोटे उसमें ए थी, फिर बड़ी ए बन गई, तो दोस्तों इसमें ओ बन गया बड़ा। तो अब अयादि संधि में भी, यानी इसमें ए आ जाए या ए आ जाए या फिर ओ आ जाए या ये ओ आ जाए। अब दोस्तों ये सभी, इन सभी के साथ क्या प्लस हो जाए? कोई भी स्वर। क्या? कोई भी स्वर, कोई भी स्वर जुड़ जाए इनके साथ, कोई भी स्वर। दोस्तों ये क्या बनाएगा? आए। ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? आए। और ये क्या बनाएगा? अब। ये क्या बनाएगा? आप। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम उसी की तरह यण संधि जो पड़ी थी दोस्तों, वहां यह बना रहा था और ये दोनों मिलकर यह बना रहे थे, ये वह बना रहे थे। तो दोस्तों लेकिन यहां पर अब अ और या आ जुड़ गया है, बस इसमें इतना अंतर है। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण करते हैं, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे कि ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो ए, तो ये कैसे बनाए? न प्लस ए और ये अ, तो ए और अ, यानी ए और अ, तो क्या बन जाएगा? आए। दोस्तों ये हमारा, ये मात्रा तो हट जाएगी, ये मात्रा हट जाएगी क्योंकि ये यहाँ आ गई, ये मात्रा तो हमारी ये बना रही है ना, तो यहां से ये हट जाएगी, तो न और ये क्या हो जाएगा? अ। ये दोस्तों अ तो इसमें है क्योंकि ये कैसे बन जाएगा? न प्लस अ, अब रह क्या गया हमारा? यह, तो यह और ये न, तो क्या हो गया? ये नयन। क्या हो गया? नयन। अब दोस्तों और करते हैं, गे प्लस अक, तो अब ये कैसे? ग प्लस ए और ये यहां पर अ, तो ए और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? ए और अ, आय। क्या? आय। तो दोस्तों ये मात्रा तो हट जाएगी, तो अब क्या बन जाएगा यहां पर? ग, अब मात्रा हट गया क्या? आय। तो दोस्तों आ, आ की क्या लगेगा? मात्रा, मात्रा लगती है इसकी, स्वर जब बीच में आता है तो दोस्तों स्वर नहीं लिखा जाता, क्या होता है फिर उसकी मात्रा लग जाती है, तो ये मात्रा लग गई। अब यह और यहां पर क्या बचा? क, तो क्या हो जाएगा? ये गायक। क्या हो गया? गायक। दोस्तों इस प्रकार से इनको बना सकते हैं। अब हम और चलते हैं, यानी प प्लस अन, तो ये क्या? प प्लस ओ और ये यहां पर अ, तो ओ और अ, क्या? ओ और अ, ओ और कोई भी शेयर,
कोई भी स्वर हो दोस्तों, यहाँ पर अ ई उ कुछ भी हो, यानी कोई भी स्वर हो, हमको उससे मतलब नहीं है, इस ओ से मतलब है। तो क्या बना रहा है अब दोस्तों, प तो यूं की यूं ही रहेगा, प यूं की यूं ही रहेगा, और ये ओ जो है वो तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ आ गया, इसके साथ मिल गया है ओ। अब क्या बना देगी ये, वह, क्या वह, तो वह, और ये क्या है न, तो क्या बन जाएगी ये पवन। क्या बन जाएगा दोस्तों, पवन। अब और करते हैं, तो अब यहां पर प प्लस अन इसका बना है, तो दोस्तों ये प प्लस ओ, और यहां पर ये अ, तो पो और अ। अब इसको हम देखें तो दोस्तों, प तो हमारा आ जाएगा, अब ओ और कोई भी स्वर क्या है आब, तो दोस्तों ये आब जो है आ, तो आ की क्या लगेगी मात्रा पा। अब व वह, और ये न, यानी पावन, पावन हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इनको हम बना सकते हैं, तो अब इनको आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें एक नोट और लिखें जिसमें कि आपको पता चल जाए, कोई एक ट्रिक बताते हैं हम कि कैसे पता करेंगे अयादि संधि है या नहीं। तो दोस्तों ट्रिक लिख लें या नोट करके लिख लें दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज है, आपको बस पता करनी है और आप उस चीज को फॉलो करेंगे, आप तुरंत बता देंगे कि ये क्या है, अयादि संधि है। तो दोस्तों क्या है, किसी शब्द में य और व आए, य और व आए, तो वहां अयादि संधि होगी। क्या, तो वहां कैसी संधि होगी, अयादि संधि होगी। कौन कौन से शब्द दोस्तों, यह और वह आ जाए तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। जैसे कि यहां पर वह आया, यहां पर भी वह आया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ये नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आपकी यहाँ पर स्वर संधि खत्म होती है, हमने आपको पांचों स्वर संधि करा दी है। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको कराएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों इस क्लास को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, अब इसके बाद आपको व्यंजन संधि कराएंगे हम कल की वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।